हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कबीर एंड वेलकम टू एस टीवी रिएक्शंस वंस अगेन। दोस्तों, आज का जो विषय जो आप लोगों के साथ में मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है अभिषेक मिश्रा का नया वीडियो टाइटल्ड बीजेपी मेकिंग बॉम्ब्स फॉर टेररिस्ट इन इंडिया। तो इस विषय में जाने से पहले दो मिनट मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए वो चीज और फिर मैं आता हूँ और आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए, एक चीज तो आपको पता चली गई होगी कि मैं अब एंटी मोदी हो गया हूँ, यानी कि भाजपा के खिलाफ नफरत फैलाऊंगा, झूठ फैलाऊंगा और मोदी के खिलाफ झूठ और नफरत और इनकी पोले खोलूंगा, हकीकतें खोलूंगा, मालूम चली गया होगा आपको। इनके खिलाफ इतना झूठ फैलाओ, इतना इतनी नफरत फैलाओ इन भाजपाइयों के खिलाफ, पूरे इंटरनेट पर मैंने तो अपना काम शुरू ही कर दिया है, अभी मैं और लौंडे लगाने वाला हूं काम पे। इतना झूठ फैलाऊंगा इन सालों के खिलाफ इतना कि मजा आ जाएगा। कैसे ये प्राणी अभिषेक मिश्रा ने कसम खा ली अपने वीडियो में कि अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट या कोई भी ऐसा आदमी जो नेशनलिस्ट थिंकिंग का हो उसके अगेंस्ट झूठ फैलाना कैसे चालू करेगा। आपने खुद ही देख लिया होगा इस वीडियो में, वो तो अपने जुबान से बोल रहा है कि वो झूठ फैलाने वाला है। तो अब आप सोचो कि इस आदमी की मानसिकता कितनी गंदी, कितनी नीच, कितनी गिरी हुई हो चुकी है, आप ये समझिए। तो अब इसने ये सोच लिया कि भैया अब मैं क्या करूं आगे, तो क्यों नहीं हम जाके झूठा प्रचार, झूठी बातें, झूठा मक्कारी वाली पंक्ति, ये सारी चीजें क्यों ना हम करें। मैं मिश्रा से यही पूछना चाहता हूँ, क्यों ये सब झूठ, क्यों ये सब मक्कारी, तुम इस हद तक गिर गए हो केजरीवाल के पचंदों पे चलते चलते, तुम इस हद तक गिर गए हो कि जो वो कह रहा है, जो वो कर रहा है वही तुम चीजें करने लगे हो। यार थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाओ, कहाँ है तुम्हारा दिमाग, कुछ बचा है केजरीवाल से मिलने के बाद या वो भी उड़ चुका है जो भी बचा कुचा था। आपने एक चीज का ये एहसास दिला दिया है मिश्रा कि भाई नीचता की कोई वाकई में कोई हद नहीं होती, और वो भी पॉलिटिक्स, और वो भी आम आदमी पार्टी, और वो भी केजरीवाल। तुम्हारी मानसिकता जो हो गई है बिल्कुल केजरीवाल जैसी, पहली तो तुम्हारी बातें केजरीवाल जैसी थी, पहले तो तुम्हारे शब्द केजरीवाल जैसे थे, अब तो तुम्हारी हरकतें पूरी केजरीवाल जैसे हो गई है, शर्म नहीं आती तुम्हें। अरे किसी के लिए तो डरो यार, किसी से तो डरो, भगवान से तो डरो भाई। इतनी झूठी, इतना नफरत, इतनी मक्कारी पंती अगर तुम देश में लोगों के बीच में अपने YouTube चैनल के द्वारा अगर फैलाओगे तो क्या होगा यार। वैसे भी हमारे देश में कुछ कम प्रॉब्लम चल रही हैं, जो कि तुम्हें ये सब हरकतें, तुम्हें ये सब नीच हरकतें करनी पड़ रही है। क्यों क्यों मिश्रा क्यों, मैं खाली ये नहीं जानना चाहता क्यों, आपसे हर कोई जानना चाहता है कि क्यों आप इस नीचता पे उतर आए हो यार। अभिषेक मिश्रा ने एक न्यूज क्लिपिंग दिखाई है कि भाई एक बीजेपी का कार्यकर्ता बॉम्ब बनाते हुए मारा गया, एक्सप्लोड हो गया। तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कितना फर्जी और करोगे भाई। ये तुमने वेस्ट बंगाल टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की जो न्यूज पेपर क्लिपिंग थी, जिस बात को दबाया गया है, वो वाली तुमने न्यूज उतार के यहाँ छाप दी और ये कह दिया ये देखो बीजेपी के आदमी थे। मैं अभिषेक मिश्रा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अगर झूठ को सच बोल दूं तो लोग मान लेंगे कि ये सच है, हैं? और अगर मैं सच को झूठ बोल दूं तो वो भी लोग मान लेंगे। तो भाई ये इतनी जो आपकी गलत फहमी है कहां से पैदा हो गई। आज तुम्हें प्रूव करना है अरविंद केजरीवाल को कि देखो साहब, आपने जो हमें काम दिया था, आपसे जो हमने पैसा लिया था, उसका हम देखो कितनी अच्छी तरह से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उसका पैसे का, आम आदमी पार्टी के पैसों का इस्तेमाल, झूठ फैला के। मैंने तो अपने लौंडे लगा दिए हर जगह, हैं? सोशल साइट पे, सोशल मीडिया पे, क्या ऐसे ये सब झूठ फैलाने के लिए। केजरीवाल से पैसा खाया, चल मैंने खाया, और अब तुम्हारी बैंड बजाने के लिए मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा, किसी भी हेट पार्टी को, लेकिन तुम्हारे खिलाफ इतना झूठ, इतनी नफरत, इतनी हकीकत बता दूंगा ना जनता को, जनता पगला जाएगी। तो ये कहना है कि बाकी सब फर्जी हैं, हम और केजरीवाल सबसे बड़े देशभक्त हैं भाई, हैं? इनका देखिए, आप सोचिए किस हद तक गिरोगे भाई, किस हद तक।
इस हद तक तो ना कांग्रेस आज तक गिरी है, ना लेफ्ट पार्टी के लोग गिरे, ना नक्सलिये गिरे, ना जेएनयू वाले लोग, एंटी नेशनल वाले लोग गिरे, जिस तरह से तुम और केजरीवाल इस हद तक गिरे हो भाई, इस हद तक। यकीन मानिए, अब आप देखिएगा दोस्तों कि इसके बाद अभिषेक मिश्रा कुछ टाइम बाद, मैं आपकी इसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अभी तो ये और वीडियोस निकालेगा झूठ फैलाने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा, केजरीवाल का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि देखिए बीजेपी कितनी खराब है, देखिए मोदी कितना खराब है, देखिए नेशनलिस्ट लोग कितने खराब है, देखिए बीजेपी के सपोर्टर्स कितने गिरे हुए हैं। आपको अभी ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे, फिर ये एक ऐसी वीडियो निकालेगा दोस्तों जहां पे ये कहेगा कि मुझे धमकी दी जा रही है फ्रॉम बीजेपी, मुझे धमकी दी जा रही है बाय बीजेपी नेता, मुझे धमकी दी जा रही है बाय बीजेपी वर्कर्स। 101% ये चीज होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि ये सारा खेल स्क्रिप्टेड है। मैं आपको इसका एक एक पार्ट बता सकता हूँ, एक एक इसका जो रोल रचा जा रहा है इसका मैं एक एक अंश बता सकता हूँ कि कौन क्या करने वाला है, कब करने वाला है। घटिया मानसिकता है, कितनी नीच मानसिकता है, ये किस हद तक जा सकते हैं। हो सकता है ये कल एक और वीडियो निकाले और कहे कि देखिए साहब मुझे नरेंद्र मोदी ने धमकी दी है। जो केजरीवाल कर रहे हैं, जो आज केजरीवाल जो हरकतें कर रहे हैं, वो देखना मिश्रा करने वाला है कल। मेरा आप ये लिखित में ले लो, भैया केजरीवाल ने कह दिया कि साहब ऐसे डायरेक्शन लेना है तो ऐसा ही करना है, ये मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग पहचानते हैं, लोगों को पता है कि कौन किस हद तक जा रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो आप ये मत समझिए मिश्रा जी कि वहां बैठ के आप कुछ भी करें और लोग यहाँ बेवकूफ की तरह तालियां बजाएं, हैं कि भैया वाह 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 क्या बात है, हैं यही तो सुनना चाहते हो आप। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अपना टाइम दूं, मैं अपना टाइम वेस्ट करूं इस प्राणी के लिए। मैं आपको एक बार तो इसका एक्सपोज कर ही चुका हूं, पर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मैं मजबूर था। जब कोई आदमी, जब ऐसा आदमी ऐसी झूठी बातें रख सकता है, ऐसी झूठी काम बात बोल सकता है, ऐसी झूठी चीजें दिखा सकता है आप लोगों को, तो हम जैसे लोग मजबूर हो जाते हैं कि यू नो टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और इसे बार बार एक्सपोज करें। अगर ये आदमी बरखा दत्त जैसे सोच वाले लोगों के साथ हाथ मिला सकता है, केजरीवाल जैसे लोगों के साथ हाथ मिला सकता है, तो अब आप समझ जाओ कि ये आदमी क्या चीज के लिए केपेबल है और क्या चीज के लिए नहीं है। अरे फर्जी देशभक्तों, तुम्हारी ऐसी तैसी, अपने घर जाओ, कपड़े अपने साफ करो और घर में बैठो। साले चार दिन पैदा हुए नहीं हुए तो मुझे सिखाए कौन देशभक्त है कौन नहीं है। मैं मिश्रा को ये बताना चाहता हूँ कि तुम जैसे फर्जी देशभक्त जो ये कहकर घूम रहे हो कि भैया मोदी ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा है, जिनकी तुम बुराइयां कर रहे हो, जो अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, तुम्हारा जो आका है, तुम्हारा जो लीडर है, मैं ये खुले बोल रहा हूँ, उससे बड़ा पॉलिटिकल टेररिस्ट इंडिया में आज की तारीख में कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जैसा पॉलिटिकल टेररिस्ट इस पूरे भारतवर्ष में नहीं है और तुम उस पॉलिटिकल टेररिस्ट के शिष्य हो, भक्त हो। तो अब आप समझ जाओ, लोग अच्छा करना चाहते हो आप लाइफ में तो करिए, बिल्कुल करिए, आपको कोई रोकने नहीं वाला, ना यहाँ पे हम लोग बैठे हैं आपकी कोई बुराई करने के लिए या हमें अच्छा लगता है ये सब करने के लिए, पर कम से कम अच्छी बातें तो रखिए, कुछ ऐसी बातें रखो जिससे कि यार किसी का भला हो, किसी आदमी का कुछ अच्छा हो, ना कि ऐसी बातें रखो कि जिससे कि लोग यहाँ बटते चले जाए, लोग जो है आपस में ही लड़ते चले जाए, कटते चले जाए, तो क्या फायदा ऐसी चीजों का। और अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो आज मैं बोल रहा हूं, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा, तो ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा मिश्रा, इसका कोई अंत नहीं है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, लेकिन हम जैसे लोगों ने जिस दिन तुम जैसे लोगों को निकालना चालू कर दिया, तुम जैसे लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी अभिषेक मिश्रा, इतना मान लेना। दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत है, अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों में एक जागरूकता फैलाइए, जिससे कि लोग ऐसे फर्जी देशभक्त से, ऐसे फर्जी विचार वाले लोगों से बचे रहे। Thanks once again, दोस्तों, and I'll see you soon once again. Thank you. Bye-bye. अब पार्टी बोलूँगा और मैं अपना कैंपिंग बराबर चलाऊंगा।